हेलो नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ज्ञान एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग लोयाबाद कनकनी क्षेत्र के सबसे विशाल भव्य हनुमान जी प्रतिमा के पास आए हुए हैं। ये मंदिर धनबाद जिले के लोयाबाद कनकनी क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विनय चौहान जी के द्वारा हुआ है और सभी जितने भी कनकनी के ग्रामवासी हैं, सभी के सहयोग से ये मंदिर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सभी के बीच ये मंदिर जो ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जय हनुमान नीचे से देखिए लिखा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत पहले से एक मंदिर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर हुआ करता था। यहाँ पे सभी लोग पूजा करते थे, जैसा कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये छोटा सा हनुमान जी का प्रतिमा था। ये तो यहाँ पे बहुत ही पहले से पूजा होती थी। का पेड़ है बहुत बड़ा, यहाँ पे भी लोग पूजा करते हैं पीपल का पेड़ में। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही विशाल पीपल का पेड़ है। देखिए यहाँ पे तुलसी पीड़ा, तुलसी चबूतरा है। ये मंदिर के बाहर से मैं वीडियो ले रहा हूँ। देखिए जय हनुमान, देखिए नीचे लिखा हुआ है। बहुत ही विशाल है ये भव्य हनुमान जी प्रतिमा। और ये बहुत ही विशाल, देखिए हनुमान जी के हाथ में, ये जूम करके मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, ये पर्वत। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वैष्णवी ज्ञान एंड ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और आइए, आज हम सब खड़े हैं लोयाबाद कनकनी क्षेत्र के सबसे बड़े, सबसे विशाल भव्य हनुमान जी का प्रतिमा, जिनका निर्माण हमारे बड़े भैया विनय जी के द्वारा हुआ है और सारे गाँव वाले मिलकर बनाए। आइए मैं आपको विनय भैया से ही बात कराता हूँ और इनसे ही पूछता हूँ इनका नाम। जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विनय चौहान है जी। ये मंदिर का निर्माण कब से यहाँ पे शुरुआत हुआ है? निर्माण यहाँ 2013 में हम लोग शुरू किए थे जी। सभी हमारे मित्र जितने भी हैं सब मिलकर हम लोग शुरू किए थे जी।
और यह लगभग 2018 में बनकर तैयार हो गया था। और इसका प्राण प्रतिष्ठा हम लोग धूमधाम से एक ऐतिहासिक पूरे लोयाबाद के क्षेत्र में हम लोग मनाए थे। अच्छा, जिसमें काफ़ी संख्या में माता बहन भाई सभी लोग शामिल होकर एक इतिहास यहाँ कायम किए थे हम लोग। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि एक अयोध्या में राम मंदिर का भी हम लोग जो न्यूज़ देख रहे हैं वहाँ पे निर्माण हो रहा है, और ये हमारे क्षेत्र धनबाद में सबसे विशाल हनुमान जी का मंदिर है। तो बहुत ही खुशी होता है जब ऐसे ऐसे तीर्थ स्थान हम लोग को जाने को मिलता है। और ये मंदिर बनवाने का मतलब कि ये इतना भव्य जो मूर्ति का बनवाए हैं, क्या मन में आपका, मतलब कैसे मन में आया? हमारे बीच जो इस मंदिर को आप देख रहे हैं जी, यहाँ बगल में ही बहुत दिनों से, बहुत सालों से यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था जी, जो सिर्फ आकार के रूप में था। अच्छा, तो हमने सोचा कि क्यों ना, कि अगर यहाँ पे उस तरह से मंदिर जो काफ़ी बड़ा नहीं था, सिर्फ रूप था, तो रूप को हम लोग एक मतलब एक धारणे के रूप में यहाँ देख सकते हैं। हम लोग सोचा कि पूरे धनबाद जिला में एक इतिहास हो इस मंदिर का, तो हम लोग जितने भी दोस्त हैं यहाँ सब मिलकर यह मतलब सोचे और काम करना शुरू कर दिए, और यह बनकर तैयार हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुका है। जो दूर दूर से लोग यहाँ लोयाबाद में हम लोग के इस कनकन्नी में आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, मूर्ति को देखने के लिए, जो बात भी हम लोग को गर्व भी होता है, जो हम लोग का मेहनत रंग लाया। चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे धनबाद में सबसे बड़ा हनुमान जी का ये प्रतिमा जो बनाया गया है। और मैं चाहूँगा कि धनबाद के जितने भी आसपास के लोग हैं, या तो फिर बहुत से दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए, अगर आप धनबाद के आसपास हैं तो लोयाबाद कनकन्नी में आकर एक बार ये भव्य प्रतिमा का जो मंदिर है, मूर्ति है, आप एक बार यहाँ पे जरूर आएँ और भगवान का पूजा अर्चना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस ब्लॉग में आने के लिए। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम।